सीता, मुझे गर्व है कि तुम हमारी कुलवधू हो। तुम्हें पाकर रघुकुल धन्य हो गया। धन्य तुम्हारे माँ बाप जिन्होंने तुम्हारे चरित्र को ऐसे विचारों और संस्कारों से पोषित किया है। सीता, तुम समाज में स्त्रियों के सम्मान और उत्थान के लिए जो बात कर रही हो, हम सब तुम्हारे साथ। किंतु सीता, समाज में परिवर्तन लाने के लिए समाज में रहना आवश्यक है। दीदी उचित कह रही है सीता। वो सारी स्त्रियां जो न्याय की प्रतीक्षा कर रही हैं, या फिर जो आशा त्याग चुकी हैं, उन्हें तुम्हारे अयोध्या लौटने से नया साहस मिलेगा। उन्हें ये स्मरण कराएगा कि पवित्रता और सत्य की विजय निश्चित है। तुम उन सारी स्त्रियों के संघर्ष का प्रतीक बन सकती हो सीता। तुम रानी के रूप में साक्षात उन सारी स्त्रियों के लिए लड़ सकती हो और इसी समाज के नियम परिवर्तित कर सकती हो। रानी ही तो थी मैं जब मुझ पर ये प्रश्न उठाए गए थे, तब भी कहां सुरक्षित थी मैं? आप भी तो रानी थी। क्या आप स्त्रियों के सम्मान और उनके अधिकार के लिए लड़ पाई? क्या आप रोक पाई मेरा दूसरा वनवास? माता, नियम बना लेने से समाज कहां परिवर्तित होता? सोच तो वही रहती। यदि सोच को परिवर्तित करना है तो समाज को उसकी आवश्यकता का आभास होना अनिवार्य है। और ये परिवर्तन मनुष्य के हृदय से आना होगा, तभी ये स्थायी होगा। सीता दीदी, पिताजी सदैव कहते थे कि सीता सबसे भिन्न है। जो सीता कर सकती है ना, वो कोई और नहीं कर सकता। और आप सदैव सदैव उनके इस विश्वास को सत्य करती है। हम सब आपके निर्णय का सम्मान करते हैं दीदी, किंतु हमारे बारे में भी तो सोचिए ना, हमारा क्या होगा? हमने सदैव साथ रहने का निश्चय किया था, क्या परिस्थितियां इतनी प्रबल हो गई कि हम अपना संकल्प तोड़ दें? हार जाए हम दीदी? दीदी, आप पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। आप हमारे लिए भी अयोध्या नहीं लौटेंगी। तुम तीनों को पाना मेरा सौभाग्य। तुम तीनों के प्रेम प्राप्त करके मुझे जो शक्ति प्राप्त होती है, उसका तुम्हें अनुमान भी नहीं। पर क्या तुम तीनों को स्वीकार होगा कि वही प्रेम मेरी दुर्बलता का आधार बन जाए? स्त्री सम्मान संघर्ष की अपूर्णता का निमित्त बन जाए? भाभी, आपका अपराधी तो मैं हूं। भैया की आदेश की पूर्ति है तू, मैंने ही निर्जन वन में आपको अकेला छोड़ा था। इस अपराध बोध और आत्मग्लानि के साथ मैं जीवित कैसे रह सकता हूं?
आज मैं समाज के सामने आपका अपमान करने का, आपके साथ विश्वासघात करने का अपराध स्वीकार करता हूं। कृपा करके आप अयोध्या लौट चलिए। यदि आपने अपना निर्णय नहीं बदला तो दंड स्वरूप मैं अपने प्राण त्याग दूंगा भाभी। लक्ष्मण, नहीं लक्ष्मण, बिना अपराध की स्वयं को दंड देना सबसे बड़ा अपराध है। तो आप ही बताइए भाभी, इस आत्मा ग्लानि के साथ में जीवित कैसे रह सकता हूँ? इसका तो प्रायश्चित भी संभव नहीं। लक्ष्मण, जो तुमने किया वो अपेक्षित था। अपने भैया की अवज्ञा करना अधर्म होता, तुमने उसका पालन किया। और रघुनंदन ने जो किया उसकी अपेक्षा उनकी प्रजा ने उनसे की थी, इसलिए इस बात को समझना आवश्यक है कि दोष समाज में है। वो समाज जहां बड़ों के आदेश पर प्रश्न करना अधर्म समझा जाता, जहां पुत्र अपने पिता से प्रश्न नहीं कर सकता, जहां छात्र अपने गुरु से प्रश्न नहीं कर सकता और ना ही अनुज अपने अग्रज से। हाँ लक्ष्मण, यही वो व्यवस्था है जिसके कारण परशुराम जी को अपनी माता का वध करना पड़ा था। इस पुरुष प्रधान समाज के मूल में ही स्त्री का विरोध विद्यमान है, स्त्री का दमन, स्त्री का शोषण विद्यमान है। जहां न्याय और नियम केवल पुरुषों के वर्चस्व की रक्षा के लिए बने, जब सोच ही नहीं बदलेगी तो समाज कैसे बदलेगा? इसलिए लक्ष्मण, तुम अपने प्राण देकर अपना जीवन व्यर्थ मत करो। तो आप ही बताइए भाभी, मैं कैसे जीवित रहूं? जो संस्कार जीवन के लिए आवश्यक है वो मैं तुम दोनों को दे चुकी हूं। जो भी मैंने तुम दोनों को सिखाया वो केवल निर्देश है मेरे, आदेश नहीं। बिना किसी बाध्यता के अपने विवेक से परिस्थिति के अनुसार जो भी उचित लगे वही निर्णय लेना। अब आगे से तुम्हें अपना जीवन अपनी माता के बिना ही व्यतीत करना होगा। माता, पुत्रों, तुम्हारी माता जिस उद्देश्य के लिए इतना बड़ा त्याग कर रही है उस त्याग का विस्मरण कदापि मत करना। प्रयास करना कि स्त्री और पुरुष के अधिकार तुल्यता स्थापित कर सको, अधिक नहीं मांग रही हूं तुमसे। यदि अपने जीवन का तुम किसी भी एक स्त्री को न्याय दिला सको तो अवश्य दिलाना।
समझना कि तुम्हारा ये जीवन सफल हो गया। माता, आपने जो कहा सीट है सब सर्वथा सत्य और उचित है। और यदि आपका यही निर्णय है तो मुझे स्वीकार है। यदि आप ऐसा सोचती हैं कि समाज में फैले अन्याय और शोषण के विरुद्ध समाज से दूर रहकर ही संघर्ष किया जा सकता है तो ठीक है, मैं भी यहीं रहूंगा। राजकाज त्याग कर आपके साथ हम दोनों मिलकर संघर्ष करेंगे। हम दोनों दूर करेंगे समाज के दोष। हम दोनों अपने कर्मों से ये सुनिश्चित करेंगे सीते कि समाज की मानसिकता परिवर्तित हो। मुझे क्षमा कर दीजिए रघुनंदन, किंतु ये संघर्ष अब केवल मेरा है। मेरे इस निर्णय में कोई भी मेरी सहायता नहीं कर सकता, आप भी नहीं। नहीं सीते, मैंने जब जब अपने धर्मों का निर्वाह किया है आपने प्रत्येक पग पर मेरा साथ दिया है। जब मैंने पुत्र धर्म का निर्वाह किया आप मेरे साथ थी। जब मैंने अपने राज धर्म का निर्वाह किया आपने उसका विरोध नहीं किया, जबकि आप कर सकती थी, किंतु आपने ऐसा नहीं किया। मेरे प्रत्येक निर्णय में आप मेरे साथ थी। तो फिर आज जब मैं सब कुछ त्याग कर अपने पति धर्म का निर्वाह करना चाहता हूं तो क्यों नहीं सीते? रघुनंदन, ये मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता और हर्ष का विषय है कि अयोध्या नरेश आज स्त्रियों के सम्मान और गौरव की रक्षा के लिए अपना सब कुछ त्यागने का सोच रहे। रघुनंदन, आपके इस निर्णय से मेरा विश्वास और भी सुदृढ़ हो गया है। स्त्री सम्मान और गौरव की जो लड़ाई मैं लड़ना चाहती थी उसका शंखनाद हो चुका है। किंतु रघुनंदन, आज जो स्त्री आपके सम्मुख खड़ी है वो आपकी अर्धांगिनी सीते नहीं है।